हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं कहानी। कहानी का नाम है ब्राह्मण और नाग। किसी छोटे से गांव में बारीदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं उपजता था। एक दिन बहुत गर्मी थी। अधिक काम कर पाने में असमर्थ ब्राह्मण थक कर बैठ गया। तब उसने एक बिल को देखा जिसमें एक बड़ा नाग बैठा था। ब्राह्मण ने सोचा कि वह नाग ही इस भूमि का देवता है, क्योंकि उसकी अच्छी तरह पूजा नहीं हो रही थी। इसीलिए वह क्रोधित था और जमीन में कुछ भी पैदा नहीं होती थी, ब्राह्मण ने सोचा। ये ब्राह्मण का थोड़ा सा खेत है, छोटा सा। ये उसके बैल हैं, ये ब्राह्मण, और ये नाग देवता, ये इसका बैल। अतः वह एक कटोरी में दूध ले आया और नाग के सामने उसे रख कर बोला, हे नाग देवता, आप इस भूमि के स्वामी हैं। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको कोई उपहार नहीं दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और ये दूध ग्रहण करे। दूसरे दिन उसने देखा कि कटोरे में सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ था। वह उसे घर ले आया। उसके बाद रोज वह कटोरा दूध लेकर आता और एक सोने का सिक्का ले जाता था। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने लड़के से कहा कि वह बांबी पर जाकर नाग देवता को दूध दे आए। ये ब्राह्मण रोज यहाँ पे दूध का कटोरा रख के जाता और नाग देवता उसको एक सोने का सिक्का दे देता। तो उसका लड़का वहाँ गया और उसने कल वाले कटोरे में सोने का एक सिक्का रखा देखा। उसने सोचा कि अवश्य ही इस बिल में बहुत अधिक सोना है। रोज रोज एक अशर्फी देने के बदले क्यों न सारा सोना एक ही बार में हासिल कर लिया जाए। सो एक डंडा लेकर उसने उस नाग पर वार किया, पर वह बचने में सफल हो गया। क्रुद्ध होकर उसने उस लड़के को डसा, जिससे वह तुरंत ही मर गया। अपने पुत्र के दाह संस्कार के बाद वारीदत्त उस नाग की बांबी के पास गया। सदा की भांति एक कटोरे में दूध लेकर गया था। ये जो ब्राह्मण था वारीदत्त, उसका बेटा यहाँ पे दूध लेकर आया है। तो उसको जो पहले वाले कटोरे में एक सिक्का देखा, तो उसने सोचा कि यहाँ जो इसका बेला, इसमें तो खजाना है। तो डंडे से सांप को मारने लगा तो सांप बच गया, लेकिन उसने सांप बच्चे इस लड़के को खा लिया और ये मर गया। तो उसे देखकर नाग ने कहा, तुम अपने पुत्र को खोने के बाद भी मेरे लिए दूध लेकर आए हो। इसका तुम्हारा लोभ ही है। इसका कारण तुम्हारा लोभ ही है। तुम्हारा लड़का मूर्ख था और उसने मुझे मारने की कोशिश की, सो मैंने उसे मार डाला। तुम तो उससे भी गए बीते हो। मैं तुम्हें अंतिम बार यह हीरा दे रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आना। ब्राह्मण को दोहरा नुकसान हुआ। उसने अपने बेटा खोया और रोज की आमदनी का साधन भी। उदास होकर वह वापस चला गया। यानी कि जब ब्राह्मण था, उसका लड़का मर गया था सांप के काटने से। उसके बाद भी वह कटोरा दूध लेकर आया, तो जो सांप था उसने उसको लास्ट में ये बोला कि तू तो उससे भी गया बीता है, तेरे बेटा मरने के बाद भी तू तो दूध लेकर आया है। ये लास्ट में ये हीरा मैं तेरे को दे रहा हूँ, अब वापस मत आना मेरे पास। तो ब्राह्मण था, उसका दोहरा नुकसान हो गया। तो उसका बेटा मर गया और एक उसका रोज की आमदनी भी खत्म हो गई। इसलिए है कि लोभ नहीं करना चाहिए।